रुकते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। दिल्ली के शाहीन बाग में हुई गोलीबारी के आरोपी कपिल गुर्जर की सच्चाई सामने आते ही गोलीकांड के लिए लगातार केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर को कोसने वाले कांग्रेसी बगले झांक रहे हैं तथा भाजपाई आक्रामक हो चुके हैं। कपिल गुर्जर का आप पार्टी के साथ जुड़ा रिश्ता जग जाहिर होने के बाद भाजपा जिलाध्यक्ष बलदेव शर्मा ने कांग्रेसी को कड़ी फटकार लगाई है तथा उन्होंने कहा कि गोलीबाजों की सच्चाई सामने आने के बाद कांग्रेसी पार्टी के सभी नेताओं को प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली के शाहीन बाग में हुई गोलीबारी के आरोपी कपिल गुर्जर की सच्चाई सामने आते ही गोलीकांड के लिए लगातार केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर को कोसने वाले कांग्रेसी बगले झांक रहे हैं तथा भाजपाई आक्रामक हो चुके हैं। कपिल गुर्जर का आप पार्टी के साथ जुड़ा रिश्ता जग जाहिर होने के बाद भाजपा जिलाध्यक्ष बलदेव शर्मा ने कांग्रेसियों को कड़ी फटकार लगाई है तथा उन्होंने कहा कि गोलीबाजों की सच्चाई सामने आने के बाद कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं को प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। बलदेव शर्मा ने कहा कि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपनी प्रतिभा के दम पर न केवल देश में बल्कि पूरे विश्व में हिमाचल का नाम रोशन किया है। समाज के विभिन्न वर्गों का हित सोचते हुए उन्होंने सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा, स्टार खेल कुंभ और भारत दर्शन योजना जैसे अभूतपूर्व कार्यक्रम अपने दम पर अनुराग ठाकुर ने अकेले चलाए हैं। अनुराग ठाकुर के विरुद्ध निराधार निंदनीय और अशोभनीय आरोप लगाकर कांग्रेसियों ने घोर पाप किया है और प्रदेशवासियों की भावनाओं को आहत किया है। इसलिए कांग्रेसियों को प्रदेश की जनता से व अनुराग ठाकुर से माफी मांगनी चाहिए। भाजपा जिलाध्यक्ष ने कांग्रेस व आप पार्टी सहित अन्य सभी विपक्षी दलों के नेताओं को चुनौती देते हुए शाहीन बाग के मास्टरमाइंड शर्जील इमाम व गोलीबाज कपिल गुर्जर सहित दिल्ली के कई शिक्षण संस्थानों में हिंदुत्व तेरी कब्र खुदेगी ऐसे नारे लगाने वालों पर तथा भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसा कहने वाली टुकड़ा गैंग पर अपना रुख जनता के सामने स्पष्ट करने को कहा है। बलदेव शर्मा ने कहा कि जिस पार्टी के नेता देश के गुनाहगार आतंकवादी मसूद अजहर को जी कहकर बात करते हैं उसी पार्टी के नेता देश के गद्दारों को सजा मांगने पर अनुराग ठाकुर को असभ्य बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की यही राष्ट्र विरोधी असलियत जनता के सामने आ चुकी है। आज कांग्रेस के जो नेता हैं वो आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं उन पे जो आरोप लगा रहे हैं वो झूठे आरोप हैं। कांग्रेस को और आप पार्टी को अपने गृहवान में झांकना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि हिंसा जो है अनुराग ठाकुर फैला रहा है। अब हिंसा कौन फैला रहा है? साईं बाग में गोलीकांड में ये कौन व्यक्ति है? कपिल गुर्जर या आप पार्टी का कार्यकर्ता है। हमेशा ही कांग्रेस और आप पार्टी ने हिंसा फैलाने का काम देश के अंदर किया है। अनुराग ठाकुर जी ने तो बहुत अच्छे काम किए, अपने दम पे बीसीआई का अध्यक्ष बनना और अपनी पार्लियामेंट के अपने लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो समस्या के सुधार के लिए सांसद मोबाइल सेवा का शुरू करना आज ही शुरू है। खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया अपनी पार्लियामेंट के हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर। भारत दर्शन का कार्यक्रम यहां पर पार्लियामेंट के अंदर चलाया। कांग्रेस और आप पार्टी ने देश और प्रदेश की भोली जनता को भड़काने का काम किया है। इसलिए कांग्रेस के इन नेताओं को जिन्होंने हमेशा जो देशद्रोहियों के साथ दिया हमेशा देशद्रोहियों का साथ दिया है इनको हिमाचल की जनता से और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए और अनुराग ठाकुर जी से भी इनको माफी मांगनी चाहिए।